Să vă mulțumim pentru vizionare.
माता रे पिता मेरे से राम रहे आमीन। हम सब खड़े होंगे और सब मिलकर है शिष्य का पैगाम करेंगे। प्रभु के शिष्य ने मरियम को पैगाम दिया, सलाम मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, तो तुम सारे के बाद तेरे पेट का फल यीशु मरियम खुदा की मां, हम हमारे मां मैं खुदा की बंदी हूं, सलाम मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, तो तुम सारे के बाद तेरे पेट का फल यीशु मरियम खुदा की और तनका जसद का सलाम करें को फजल का तेरे साथ है, तो तुम बारी है बार कर तेरे साथ है यीशु ऐ खुदा की पाप वादा हमारे वास्ते बात है, हम दुआ मांगे अपने सब कुछ कहें। ऐ खुदा हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू हमारे दिलों में अपना पाप फसल डाल दे, ताकि जैसा हमने फिर का पैगाम सुनने से मसीह तेरे बेटे का जस्म पहचाना, वैसा ही हम उसकी मसीह को और सलीब से जीव उसमें के सूत में पहुंचाए जाए मसीह हमारे खुदा के वसीला से। जलाल बाप बेटी कुदस का बहुत ईमानदार हुए खुदा के रहम से बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और आशीष रहकर आप सबके साथ आपके साथ की मसीह खुदाम में एल भाई धन्यवाद की पाकर जील में हम यीशु मसीह के सिर पे दुखों की पेशन गोई सुनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये पेशन गोई यीशु की जलाली जिंदगी की भी पेशन गोई है, उसकी फतह की भी पेशन गोई है। खुदाम यीशु मसीह हमें जिंदगी और जलाल का एक राज बताते हैं अपनी पाकर जील में, और वो राज ये है कि जब तक गेहूं का दाना यानी गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, वो बहुत सा फल नहीं ला सकता। इसलिए जरूर है कि यीशु मसीह बुलंद किया जाए, जैसे एक गंदम का दाना जमीन में बरकर उगता है, जमीन से बुलंद होता है और दूसरों के लिए जिंदगी का बाइस बनता है, ऐसे ही यीशु मसीह का सलीब पर बुलंद किया जाना भी हमारे लिए जिंदगी और निजात का बाइस है। आज हम गौर करेंगे कि हमारी जिंदगी के दुख कैसे बामानी बामकसद हो सकते हैं। भाई इबादत के शुरू में हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, इसलिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, तो अपने फजल से हमारी मदद कर ताकि हम उसी की तरह मोहब्बत रखें, रकमबंदी के साथ चलकर जमीनी सफर तय कर सके। मसीह खुदावन के वसीले आमीन। सब मैं उनके साथ नया अहद बांधूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। आज की हमारे लिए पहली तिलावत
इर्मिया नबी का सहीफा उसका 31 बाब 31 से 34 आयत तक। देखो यूं खुदावन का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया ऐत बांधूंगा। इस ऐत की मानत नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से उस रोज बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था ताकि उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, जिस ऐत को उन्होंने तोड़ा। हालांकि मैं उनका सामंत था, यूं खुदावंद का फरमान है, लेकिन ये वो ऐत है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, यूं खुदावंद का फरमान है। मैं अपनी शरीयत उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर उसे नक्श करूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे और कोई अपने हमवतन को तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदावंद को पहचान लो, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे, यूं खुदावंद का फरमान है। क्योंकि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। भाइयों, मसीह ने अपनी बशरियत के आयाम में जोर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसके आगे दुआएं और मिन्नतें की जो उसे मौत में से बचा सकता था और खुदा दर्शी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगर चाह बेटा था तो भी उसने उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए आदि नजात का बायस ठहरा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। के बाद में बात की 20वीं आयत से 33 आयत तक हम सुनेंगे। उस वक्त जो दीप में प्रस्तुत करने आए थे उनमें कई गैर कौम थे, वो फेलिक्स के पास आए जो जलील के बैत सदा का था और उसे इल्तिजा करके कहा कि आका, हम यसू से मिलना चाहते हैं। फेलिक्स ने आका इंद्रियास से कहा और फिर इंद्रियास और फेलिक्स ने यसू को खबर दी। यसु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इतने इंसान जला पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जब अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो जमीन में इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर तो मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीफ करे, और जहां मैं हूं वही मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या करूं, ये कि ऐ बाप मुझे इस गली से बचा दो, लेकिन मैं इस बात से इस गली तक पहुंचा हूं। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जलाल दिया है
और मैं फिर जलाल दूंगा। पास जो हजूम खड़ा सुन रहा था वो कहने लगा कि बादल गिर जाए, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता आपसे बोला है। शसु ने जवाब में कहा, ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है, अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाए और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को। हमारे काम यीशु मसीह की अच्छी मसीह काम में पहले भाई बहनों साल 2008 या 9 की बात है, जब मैं रोम में स्टडी कर रहा था तो इंडिया की एक मुकदसा है जिसकी कैनलाइजेशन हुई, यानी मुकदस करार देने की मखसूसियत की पाखमास, और उस मुकदसा का नाम है मुकदसा अल्फोंसा। इसका ताल्लुक केरला से है। नौजवान सिस्टर थी और वो बहुत बीमार हो गई, इस कदर बीमार कि वो बाकी सिस्टरों की तरह कोई और जिम्मेदारी नहीं कर सकती थी सिवाय बिस्तर पे लेटे रहना, दुआ करते रहना, ये उसकी जिंदगी थी। और उसने जो ज्ञान बयान किए थे उनको अपनी डायरी में लिखती रहती थी, और एक उसका ध्यान बयान था जिसका बहुत ज्यादा तस्करा हुआ। वो बेनेडिक्ट ने जब उनको मुकदस करार दिया वेटिकन में रोम में, तो वो बेनेडिक्ट ने भी इस चीज का जिक्र किया था। और वो आज की पाखंडी की आयत है कि जब तक गेहूं का दाना गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता बहुत सा फल नहीं ला सकता। और इस आयत पर मुकदसा अल्फोंसा का बयान बयान ये था कि वो बयान करती है कि कैसे गंदम के दाने जो हैं उनको पीसा जाता है, उनको पीस कर आटा बनता है, फिर रोटी बनती है, और जो रोटी हम खाते हैं हमें जिंदगी देती है, कुवत देती है, तवानाई देती है। ऐसे ही हमारे दुख कि हम दुखों में से गुजरते हैं और हमारे दुख जो है ये हमारे लिए जलाल का बायस बन जाते हैं। इसलिए अपने दुखों को खुशी के साथ कबूल करो, उसका सारा निचोड़ जो है दुखों पर बीमारी पर उसका ज्ञान ज्ञान ये था कि अपनी बीमारी को दुखों को खुशी के साथ कबूल करो, वो कि ये मुश्किल काम है लेकिन रूहानियत की मराज और मंजिल है, वो कि हमारी रूहानियत की मंजिल और मराज खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, खुदा का रूबरू देखना है। ये वो जलाली जिंदगी है जिसमें हम मसीह जिंदगी में जिसका तजर्बा जिसकी उम्मीद रखते हैं, खुदा के नूर में रहना, उसके साथ एक होना, ये इसको हम बहिश कहते हैं, इसको खुदा की बादशाही कहते हैं, ये हमारी मंजिल और मराज है। मगर मुकदसा अल्फोंसा के नजदीक जिंदगी के जो दुख है जब तक हम उनको खुशी के साथ और यीशु के लिए कबूल नहीं करते हमारी जिंदगी बाबानी बाबसर नहीं हो सकती, बल्कि ये दुख ये तकलीफ ये दर्द और भी ज्यादा हमारे पर बोझ हो सकता है बहुत बड़ा, जब तक हम इसको ईमान की आंखों से नहीं देखते। जिंदगी की जद्दोजहद को दुख को तकलीफ को बीमारी को जब तक ईमान की आंखों से नहीं देखते, जब तक रूह की आंखों से नहीं देखते और जब तक इनको हम दिल से खुशी खुशी के साथ कबूल नहीं करते हमारी जिंदगी बेमानी रहती है। हमारी जिंदगी हमारे दुख हमारा दर्द उस वक्त बामानी बनता है जब आप खुशी के साथ उसको कबूल कर लेते हैं। पर जब इस बात से बुजुर्ग कहते हैं कि काम जरा रोके करना है तो उन्होंने बंदा खुशी ना कर, बड़ी इसमें हिम्मत की बात है कि रोके भी काम कर रहे हैं और खुशी के साथ अगर कर रहे बहुत ज्यादा अच्छा है। मुकदसा अल्फोंसा की यही जिंदगी यही रवैया था,
कि वो दुखों को बीमारी को खुशी के साथ कबूल करती है, इसलिए उसको मुकद्दस करार दिया गया कि उसने अपनी बीमारी को कैसे लिया, जिंदगी की जो सलीब थी उसको वो उठा कर कैसे चली, कि अपने बीमारी के इस सफर में ये सलीबी सफर था कि जब उसने अपनी जिंदगी यसु के नाम कर दी है तो फिर उसकी एक एक सांस यसु के लिए है, फिर उसकी बीमारी उसके लिए जलाल का बायस बन गई है। मसीह खुदावंद ने कहा भाई मेरे भाई, हम अपनी जिंदगी की जद्दोजहद पर गौर करें, बस वक्त हम बड़े बेसब्री हो जाते हैं, जब जिंदगी में दुख आते हैं बीमारी आती है तो हम शायद ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन मुकद्दस अल्फोंसा हमें सिखाती है कि बीमारी में दुखों में ना उम्मीद नहीं होना, यीशु जो हमारी उम्मीद है वो हर बीमारी में हर दुख में हमारे साथ है, वो हमारे साथ दुख उठाता है, जब हम दुख उठाते हैं तो वो हमारे साथ दुख उठाता है, जब हम जिंदगी में खुश होते हैं यीशु हमारे साथ खुशी मनाता है, इसलिए यीशु मसीह वो वफादार साथी है जो दुख और सुख में हमेशा हमारे साथ है। आज की जो दूसरी तलाव है इसमें मुकद्दस पौलुस सुझाव को वाज तौर पर बयान करते हैं कि यीशु मसीह ने जो फरमा बरदारी सीखी, ये दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी कि खुदा का बेटा होते हुए उसने कितना दुख उठाया और उसके दुख हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का निजात का बायस बने हैं। यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बान होना फरमा बरदारी की काबिल मिसाल है, इसलिए वो यीशु मसीह की फरमा बरदारी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगरचे बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी और तकमील तक पहुंच कर अपने सब फरमा बरदारों के लिए अपनी निजात का बायस ठहरा। और आज की पाठक जिल में जब यीशु मसीह गेहूं के दाने की मिसाल देते हैं, ये शागिर्दों को समझाने के लिए था जो नाउम्मीद थे, जो नहीं चाहते थे कि यीशु दुख उठाए। आज की जो पाठक जिल में इसमें लिखा है कि कई गैर कौम यीशु को मिलने के लिए आए, और पहले किसको मिले? फेलिक्स को। फेलिक्स को आकर कहते हैं कि आपा हम यीशु को मिलना चाहते हैं, और फेलिक्स ने अपने भाई इंद्रियास को जाकर, इंद्रियास और फेलिक्स दोनों जाकर यीशु के साथ बात करते हैं कि ये लोग मुझे मिलने आए हैं, और यीशु जानता था कि ये मुझे समझाने के लिए आए हैं कि जो दुख और जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसको मसलूक करने का, उसकी बाबत वो बात करने आए थे कि अपना बंदोबस्त कर दो तुसी बड़े जानते हो। और यीशु को क्या जवाब देते? जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो खिला रहता है, बहुत सा फल नहीं लाता, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। गंदम की दाने की बड़ी खूबसूरत मिसाल है जिंदगी के दुखों को और जलाल को समझने के लिए, जिंदगी के दुखों को, जिंदगी की बारी सलीब को समझने के लिए गंदम का जो दाना है उसकी मिसाल एक काबिल खूबसूरत मिसाल है। एक गंदम का दाना जब जमीन में गिरकर मरता है तो क्या होता है? उगता है। जिन्होंने पंजाबी सिने सिटा एक सिने के बीच कितने दाने थे? बहुत ज्यादा। कितने अंदाज कितने? 20-25 या से ज्यादा, शायद कह रहे 100 के करीब। इतने ज्यादा एक दाना उगता है मरकर, और फिर कितने ज्यादा दाने उस पर लगते हैं जिसको पीसकर आटा बनता है, कैसे क्या बनते रोटी बनती, जिसको आप पराठा कहते हैं, नाम कहते हैं, शायद मुख्तलिफ नाम है, सब जिंदगी का बायस बनते हैं, जिंदगी का बायस। और खुदा भी यीशु मसीह जब सलीब की तरफ इशारा करते हैं कि वो किस मौत को मरने को है, कि जैसे सलीब गुलाम की जाती है उसका इंजन उठाया जाना, ऐसे ही अपने इंसान उठाया जाएगा, बुलंद किया जाएगा, जैसे गंदम का दाना उगता है और फल आता है जिंदगी का बायस बनता है, ऐसे ही यीशु मसीह का उठाया जाना है, सलीब पर उसका बुलंद किया जाना है, ये उसकी सरफराजी है। और मुकद्दस यूहन्ना दुखों में उसकी सरफराजी देखता है, दुखों में उसकी फतह देखता है,
और मगर में योना के जीव ये अंजीव है जिसने सिर्फ दुखों की पेशेंटगोई नहीं की, सिर्फ उसकी मसलूबियत की पेशेंटगोई नहीं की गई, सिर्फ उसकी कुर्बानी की पेशेंटगोई नहीं की गई, बल्कि उसके जलाल की भी पेशेंटगोई की गई है। और आज की जो पाक अंजील में दुआ है ये बड़ी खास दुआ है कि यीशु मसीह अपने बाप से मुखातब होकर कहते हैं कि बाप अपने नाम को जलाल दे, तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जलाल दिया है और फिर जलाल दूंगा, दुखों में जलाल। आइए हम अपनी जिंदगी जद्दोजहद में ऐसे ही हर बीमारी में और हर जद्दोजहद में एक जलाल देखें। बस खत्म मायूस हो जाते हैं जब मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, हम हिम्मत आ जाते हैं। यीशु में हिम्मत के साथ आगे चलना सिखाता है कि यह मुश्किल आखिरी मुश्किल नहीं है, यह मुश्किल खात्मे का नाम नहीं है, यह बीमारी खात्मे का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जलाल है। इसलिए आइए हम जिंदगी की हर मुश्किल परेशानी में जलाल देखें। आमतौर पर हम बड़ा मनफी लेते हैं जिंदगी को, जिंदगी की जद्दोजहद को, नाकामियों को, परेशानियों को, बीमारियों को हम बड़ा मनफी तरीके से सोचते हैं और हम समझते हैं कि शायद जिंदगी यहां पर रुक जाएगी, शायद इसके साथ जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई नाकामी, कोई बीमारी, कोई फेलियर खात्मा नहीं है अपने आप में, बल्कि वो एक नए सफर का आगाज है, एक जलाली जिंदगी का आगाज वहां से शुरू होता है। जब हमारी इंसानी हिम्मत जहां पे खत्म होती है वहां पे खुदा की कुदरत शुरू होती है, जहां पे हम इंसान होते हुए महसूस करते हैं कि यहां पे जिंदगी शायद खत्म हो जाएगी या रुक जाएगी, वहां पे खुदा का जोर और बाजू हमें कुवत के साथ पकड़ता है, संभालता है और एक नया सफर, एक नई जिंदगी का आगाज होता है। इसलिए आइए हम जिंदगी को, दुखों को, बीमारी को मुस्बत तरीके से उस पर देखना शुरू करें, उस पर ज्ञान ज्ञान करना शुरू करें। मुकद्दसी हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम जिंदगी की नाकामियों को, मुश्किलात को, परेशानियों को ईमान की आंखों से देखें और मुस्बत तरीके से देखें, और ये मुस्बत तरीका, ये मुस्बत आंख, ये रूहानी बसीरत, यही मसीही जिंदगी है कि हम यीशु की निगाह से अपनी जिंदगी को देखें, उसकी आंख से, खुदा की आंख से अपनी जिंदगी को देखें, दुखों को देखें, बीमारी को देखें, ताकि हम हिम्मत पाकर हमेशा चलते रहें, कभी रुके ना, कभी मायूस ना हो, बल्कि हिम्मत और ईमान के साथ आगे बढ़ते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। और हर एक पाप की आदमी है हमारी दुआएं पाप ताकि रोटी और मैं पाप पर ऊपर रखें और हमारे गर्म सुसी का बदन पाप बने, जिसमें उठाने के लिए तैयार होता है, अपनी खाने के मौका पार होती है, किया रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने इशारे करो इस अनुसार इसमें अर्थ ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसमें खाने के बाद मैं प्याला दिया उसे बारिश करते हैं और ये कहकर प्याला अपने इशारे को दिया कि तुम सब इसमें से लो और मैं रख दिया है, ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे पर बहुत से लोगों की गुनाहों को माफ़ी के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद ने यही किया। हमारी ईमान का हम तेरे मौत का इनाम करते हैं, हम तेरे ज्ञान का इनाम करते हैं, ये सब तेरे द्वारा है। बस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुम्हें भी इस लायक समझे कि तेरे सामने हम रोक कर तेरी इबादत करें, हम आज के साथ इंतजार करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रुख दस की तासीर से आपस में एक बने, और साथ में उसे मोहब्बत अता करें।
हमारे भाइयों बहनों पर नजर करते जितने भी रखते हुए जितने सो गए उन तमाम मुमकिन को याद कर और उनका अपनी रोशनी में कबूल करवा दो। हम जिससे मिनट करते हैं हम सब रहम ताकि खुदा तुम्हारी बात तुम्हारी बने हजरत पाक मुबारक सुनो और उन सब कर्जों के साथ जहां की मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीर और तुम प्यारे में जिस मसीह के वसीले से तेरी हम को सुना कर सके उसी के जरिए उसी के साथ और उसी के लिए दबाव रुद्र की वादालियत में कमल इज्जत और काफी शायाब है हमेशा से हमेशा से आई मकबूल जानवर से दायित्व पर कोई मार्ग नहीं है किताब कोई मार्ग नहीं खुदा ने हमें सिखाई है जय हो तू आसमान पर है तेरा पाप न जाए तेरी बारिश तेरे मुझे के आसमान पर होती है जमीन पर भी हमारे लोग से प्यार करते और किसान आपके साथ वादा करने की सलामती से खुदा का शुक्र।